हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सबसे पहले जानेंगे चार्ज को। तो जो चार्ज होता है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो चार्ज होता है वो मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे या किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो ये डेफिनेशन होती है चार्ज की। चार्ज की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट, ये कूलॉम होगी और इसकी हम डायमेंशन लिखेंगे। इसको कूलॉम और एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन ये होगी M0, L0, T1 और A1। तो ये डायमेंशन हो जाएगी चार्ज के लिए। देखिए, एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। तो जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यानी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, वो फंडामेंटल चार्ज के इक्वल होता है। ई की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम के इक्वल होती है। ये एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होगी। अब हम इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इसमें सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे, वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। क्यू इज इक्वल टू NE होता है। एन यहाँ पर प्लस माइनस यानी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर होगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी के अंतर्गत यहां पे हम चार्ज को इस तरह से प्लस Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर नेट चार्ज जब हम फाइंड करेंगे तो इनका हम स्केलर सम लेंगे। ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी होती है। ये एलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4,
और इसके बाद चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. नेक्स्ट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे ये रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो लाइक चार्ज रिपेल करेंगे एक जैसे, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज के लिए. नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हम ये लीनियर ऑब्जेक्ट लिए हैं, इस पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे. तो इसके लिए यहाँ पे हम बहुत छोटी सी लेंथ ये डी एल कट करेंगे. यहाँ पे जो चार्ज होगा ये डी क्यू होगा. तो नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी ये लेमडा की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी एल की इक्वल होगी. तो ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा. इसके बाद सेकेंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिस्क या सरफेस ऑफ स्फीयर, स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट, इस तरह के ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इसमें हम यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर हम एक डिस्क लेते हैं और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे. ये यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ये हमने इस पे चार्ज क्यू लिया और इस डिस्क का एरिया ए. तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी. इसकी एसआई यूनिट कूलोम पर मीटर स्क्वायर होगी. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी. नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्ट लेंगे, डिस्क ले रहे हैं और इस पर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे. ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. कहीं पे चार्ज अधिक होगा तो कहीं पे कम होगा. इसको हम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. तो ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पर हम ये छोटा सा एरिया डी ए कट करेंगे, इस पर जो चार्ज होगा ये डी क्यू होगा. तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा की वैल्यू डी क्यू बाई डी ए लेंगे। छोटा सा एरिया कट करके हम इस एरिया पे ये डी क्यू चार्ज लेंगे तो सिग्मा डी क्यू बाई डी ए हो जाएगा। और इसके बाद थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑब्जेक्ट के, जैसे सॉलिड कोन, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कोन, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसमें सबसे पहले हम यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे हम ये इस तरह से सिलेंडर लेते हैं, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस सिलेंडर पे हम दिखाएंगे, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से। अब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये प्लस क्यू चार्ज होगा और इसका वी वॉल्यूम है। तो यहां पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करेंगे, क्यू वाई वी होगी। वी वॉल्यूम है इस सॉलिड सिलेंडर का, इसकी एस आई यूनिट ये कूलोम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये यहां पर हम इस तरह से सिलेंडर लेंगे, सॉलिड सिलेंडर, और यहां पर रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पे हम छोटा सा वॉल्यूम कट करेंगे, ये डीवी वॉल्यूम में जो चार्ज होगा डी क्यू होगा। तो यहां से चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी वी। इस छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज है वो डी क्यू है, तो इसके लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी ये रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी होगी। और यहां से इसकी एसआई यूनिट अगर हम लिखें तो ये कूलोम पर मीटर क्यूब होगी। इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी।